जबलपुर शहर स्थित सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज को इंजेक्शन ना मिलने के कारण उचित इलाज नहीं हो पा रहा, जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर परिजनों द्वारा मेडिकल प्रबंधन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। परिजनों का आरोप है कि 1 माह पूर्व उनके पिताजी को भर्ती कराया गया था, लेकिन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं लगाए गए, जिसके कारण इलाज में दिक्कत आ रही है। यदि उन्हें इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। ब्लैक फंगस था, हमको आधा शरीर दर्द कर रहा था, इसका हमको ऑपरेशन भी हो गया और इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। केवल इंजेक्शन हमको लिए 39 लगे बस, और अभी 5 दिन से एक भी नहीं लगे, टैबलेट भी नहीं मिल रही है। हम लोग पड़े हैं, कितने इंजेक्शन लगना था आपको? 70 लगना था जी, मैडम ने 70 बोली थी जी, अभी केवल 39 लगे। मेरे पिताजी पिछले 17 मई से यहाँ एडमिट हैं, उनकी एक सर्जरी 20 मई को हुई थी, लेकिन उनको इंजेक्शन के पूरे डोज नहीं मिलने के कारण उनका इन्फेक्शन फिर से बढ़ गया है। अभी हम लोग 22 जुलाई के MRI करवाए तो मेरे फादर की 2 सर्जरी और होने को बोला गया है, लेकिन सर्जरी किस कंडीशन में होगी।